So it's time for drum roll. 1, 2, 3. So welcome to my survival series episode number 3, जहाँ हम लोग करते हैं तुम जो कहते हो. और पिछली बार के एपिसोड में मैंने तुमसे कहा था कि मैं केव में या इस केव को थोड़ा डेकोरेट करूँगा ना. चलो जिसने एपिसोड 2 नहीं देखा उसे देखा देता हूँ कि मैं कौन सा केव के बारे में बात कर रहा हूँ. सो मैंने कहा था तुम लोगों को कि मैं इस केव को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे चाहिए होगा वाइंस, जिसके लिए हम लोग गए थे जंगल. और जंगल से हाँ मैं इस सैपलिंग को लेके आया, मैंने लगाया है वाइंस. बस क्या करते हैं ना, ऐसे कलेक्ट करते जाओ, कॉल स्टोन लो और ऐसे ऐसे मौसी कॉल स्टोन बना सकते हो. मैंने पहले से 3 स्टैक बना के रखे हैं, अगर कम होंगे तो और बना लेंगे. ट्रेडर ट्रेडर भैया, तुम्हारे पास क्या है? फालतू चीज के बाद कुछ अच्छा देते हो? नहीं. मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर तो है, लेकिन और कुछ भी नहीं. तो तुम्हें मालूम है तुम्हारी मौत आई है? बाय बाय. तो चलो मैं तुम्हें अपना थोड़ा जो मैंने ग्राइंड किया है एपिसोड 2 के बाद वो दिखाता हूँ. मैंने सबसे पहले तो इधर एक फर्निस, ब्लास्ट फर्निस लगा दिया. और ये जितना भी मैंने कोबल स्टोन निकाला है ना, पूरे खोद खोद के उसका है. और इधर थोड़ा मैंने इतना 3 स्टैक आयरन पर और कॉपर तो तुम्हें दिख गया होगा ऊपर मैंने कितना कलेक्ट करके रखा है. ऊपर पूरा ब्लॉक्स बना के मैंने उसे ऑक्सीडाइज होने के रख दिया है. तो मैं घर पर पहुंच गया और मेरा आज का प्लान क्या है ना, उस केप को बनाना. मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि आज मुझे उस केप को कैसे भी करके फिनिश करना है. तो उसके लिए हमारे पास तो अब आ गया है वाइंस. अब हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक की कमी है, वो है मॉस ब्लॉक, जो सबसे इजीली मिलता है इन वो क्या कहते हैं, क्या शिप होता है ना वो ओशन में मिलता है, बड़ी शिप, उसके अंदर जो ट्रेजर होता है ना उसमें मिल सकता है सबसे कॉमनली, या उसका बायोम होता है उधर मिल सकता है. लेकिन अभी तो मुझे उसका बायोम किधर है वो नहीं मालूम. इसलिए सबसे इजी वे होगा हमें थोड़ा ऐसा इस शिप में मिल जाए. तो हम अभी उस शिप की तलाश में जाएंगे और काश हमें मॉस ब्लॉक मिल जाए, ऐसा दुआ करते हैं अभी हमें. तो जितनी जल्दी मॉस ब्लॉक मिलेगा ना, मैं उतनी जल्दी केप को बनाने का स्टार्ट कर दूंगा. अरे अरे वेट अ सेकंड, अरे यही तो है ना, इसके तो नीचे वो पूरा वो क्या मिलता है, इसके तो नीचे वो पूरा आइलैंड, क्या आइलैंड में मैं भी क्या बोल रहा हूँ, उसके इसके तो इस पेड़ के नीचे ही तो मिलता है ना पूरा उसका बायोम जैसा, वो पूरा अंडरग्राउंड. हाँ, अगर इसके इसके रूट के हम सीधा नीचे डिग करेंगे तो हमें वही तो मिलेगा ना, वो मॉसी बायोम ऐसा ही कुछ नाम होता है ना उसका. हाँ तो चलो, हमें अभी ओशन को जाना ही नहीं पड़ा. ओशन मैंने, हाँ ओशन बस इतनी दूर था. देखो मुझे उधर से दिख रहा था कि ओशन मिल गया, और तभी मैं जब तक मैं इधर आया तो तब तक मुझे ये मिल गया. तो ये तो और भी अच्छी बात हुई ना, हमें अब इतना ओशन एक्सप्लोर ही नहीं करना पड़ेगा. ओशन हम अब किसी और एपिसोड में एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो चलो इसके सीधे नीचे डिग करते हैं. तो चलो मैं इसे पूरा ऐसे डिग करता हूँ, देखते हैं हम किधर निकलते हैं. जिसके लिए मैं आया था वो तो मुझे मिल गया एक मॉस ब्लॉक. इतने से हमारा काम हो जाएगा, हम बस उसमें बॉल मिल लगाएंगे ना तो वो पूरा काम कर देता है खुद. हाँ ये देखो, ये पूरा एक केव. इधर से मैं थोड़ा एक ग्लू बेरीज भी लेकर जाना चाहता हूँ. अरे बहुत डेंजर है रे बाबा, बहुत डेंजर है रे. इधर सबसे पहले तो स्पॉन लगा देता हूँ. स्पॉन मारेगा रे अपन को, तू मारेगा. ये ले मर रे. हाँ इधर एक्सेलेटर भी तो मिलता है ना. हाँ ये देखो एक्सेलेटर, चलो एक एडवांसमेंट भी ले लेते हैं. एक्सेलेटर कम हियर. हाँ चलो इसको भी हमने ले लिया, द क्यूटेस्ट प्रेडिटर. चलो तुम लोग कहना इसका हम क्या नाम रखें, हम तुम जो बोलेंगे ना हम उसका वही नाम रखेंगे. चलो 2 एक्सेलेटर लेकर जाते हैं. मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल इधर है,
एक और बकेट बना लो, बकेट को ले आओ इधर। किधर गया है वो पर्पल एल वाला? चलो तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। चलो हमारे पास अब दो एक्सलेटर हो गए। तो गाइस मैंने ना एक केव थोड़ा डिस्कवर किया, और मुझे देखो इधर क्या मिल गया है। सबसे पहले तो इन सबको मारना पड़ेगा। चलो आ जाओ, एक एक बार सबको एक फटका मिलता। अरे भाग ले। अरे हाँ चलो अब ठीक है। हाँ मुझे ना इधर एक डायमंड मिल गया है, लेकिन अभी मेरे पास ना वो नहीं है कि फॉर्च्यून नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इस डायमंड को माइन करूँ या ना करूँ, ना करूँ। लेकिन मैं इस जगह पे फिर कभी नहीं आऊँगा, इसलिए मुझे लगता है ना मैं माइन कर लेता हूँ क्या अभी। तो चलो इसको माइन करते हैं, देखते हैं कितना होगा। एक दो, हाँ आई एम सेटिस्फाई विथ टू ऑल्सो। हाँ दो से भी काम चल जाएगा। दो मुझे इंचांटिंग टेबल के लिए चाहिए था, वो मिल गया, और एक आयरन और मुझे पता है किधर है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी। तो हम अब इंचांटिंग टेबल और एक डायमंड पिकैक्स बना सकते हैं, और उसमें फॉर्च्यून लगा के और भी इंचांटिंग और भी डायमंड माइन कर सकते हैं। सो या तो मैं तुम्हें सीधा सीधा अपने घर जाके मिलता हूँ। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो हमें दो डायमंड मिले, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस दो डायमंड को मैं इधर सेफली रख देता हूँ। इधर दो डायमंड सबसे अच्छा, और दो एक्सोलॉटल मिले। इन दो एक्सोलॉटल को ना मैं किधर इधर, तो एक अभी के लिए थोड़ा सा ऐसा एक जगह बना दूंगा, बाद में मैं इन्हें एक अच्छा सा प्यारा सा घर बना के दूंगा कभी। अभी के लिए इन दोनों इधर रहेंगे। इन्हें ब्रीड करने के लिए भी ट्रॉपिकल फिश लगता है, जो अभी मेरे पास नहीं है सैडली, लेकिन बाद में लेकर आएंगे। तो या अभी हमारे पास मॉस ब्लॉक आ गया है। तो या तुम्हें मालूम है अभी तुम्हारा क्या टाइम चल रहा है, मेरा क्या टाइम चल रहा है। तो अभी हमारा बिल्डिंग टाइम, अभी हम के बिल्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Thank you.
तो तुम्हें ये बिल्ड कैसा लगा तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो या अगर तुम माइनक्राफ्ट और ऐसे ही दूसरा कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।